In yesterday class, we have discussed about the monsoon climate. I have just given the previous definition about the monsoon. Monsoon means the changement of the season. I mean, that's a total changement of the climate in a summer, just opposite of the winter. When I talk about the monsoon, we are talking about to why the climate or monsoon changes gradually in a year. What's the reason behind it? Could I just discuss about it? Okay. ऐसा क्या है कि हमारा ये मानसून बदल जाता है तो बदलने का वजह क्या है इसमें बदलने की वजह क्या है इसमें बदलने की वजह है कि सिर्फ इसकी वजह है कि जो एयर प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट कर जाती है ठीक है ना इन समर जब समर का समय आता है तो क्या होता है क्लाइमेट क्या होता है ये हमारा जो समर में क्या होता है कि जो 21 जून है उस जून को कैंसर लाइन पर हमारे सूर्य किरणें जो होती है वो कैसी होती है लंबवत होती है वर्टिकली होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि साउथ की जो ट्रेड विंड है वो शिफ्ट कर जाती है नॉर्थ ऑन तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारे जो है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ को चलने लगती है बाय नेचर क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड है वो ट्रेड करती है अटर्न करती है दाएं ओर दाएं ओर ट्रेड करेगी तो क्या हो इसीलिए मानसून हमारे केरल से होते हुए प्रवेश करना स्टार्ट कर देता है सेम जब हम विंटर वाले कंडीशन में आते हैं जब हम कहें दिसंबर कहें 22 दिसंबर या 22 दिसंबर कहें तो उसमें क्या होता है कि जो कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा है वहां पर सूर्य ने लंबवत होने लगती है इस समय जो भी हो रहा है वो स्पेस हो रहा है क्योंकि अब दिसंबर आ रहा है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य ने लंबवत होती है इस वजह से ये जो जो नॉर्थ की जो व्यापारी पवन थी वो खांसी जाती है साउथ खींचे जाते हैं और जिसकी वजह से हम किसके प्रभाव में आ जाते हैं पछुआ प्रभाव पछुआ पवनों के प्रभाव के आने की वजह से क्योंकि ये हिमालय से अब आ रही होती है गुजरती है हवाएं इसलिए हमें विंटर मिलता है इस वजह से हमें यहाँ पर विंटर मिलता है इतने इरेक्टिक साउंड होता है अभी सो रहा हूँ देखते हैं जो विंटर है विंटर में हम स्पेशली विंड से पछुआ पवन के संपर्क में आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये हवा हमें ठंड का महसूस होता है जो अपने कल जो बादल देखे थे जो परसों बादल देखे आज भी थोड़े बहुत बादल हैं वो बादल और कुछ नहीं पछुआ पवन के ही प्रभाव के बादल है इसमें आप देख रहे होंगे पछुआ पवन ही चल रही है ठीक है ना पछुआ पवन चलने का मतलब है कि ठंड का आना क्लियर है ना तो कॉज पता चला अब जो हमें जानना है कि मानसून का जो क्लाइमेट जोन है वो कौन कौन से देशों में आता है कौन कौन से देश जो है जो क्लाइमेट जोन में आते हैं ठीक है ना क्लियर बेटा आप नहीं ले नहीं वो आइए बगल में बैठो ठीक है तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है सर्वप्रथम मैप को रखेंगे अब हम सब जैसे रखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री अब ये 10 जो 30 का जो डिग्री लिया है ये नॉर्थ साउथ दोनों के लिए काम करेगा अब आपको अपने वर्ड का मैप खोल करके 10 और 30 के बीच के ईस्ट वाले हिस्से बताने हैं ईस्ट वाला हिस्सा देखो इसको तभी वर्ड मैप ही नहीं मिल रहा ये वर्ड मैप है इनका चलो तो यही था थर्ड मैप Stop.
थर्टी लाइन पे रखो। थर्टी लाइन पे रखा कहाँ? थर्टी लाइन दस कहाँ गाजर लगाओ, दस कहाँ मिले ऊपर तो जीरो के ऊपर वाला हमने कहा यहाँ से 10 से 30 30 भी मिला आपको, ठीक है ना। ये कितना है? 40 है। इसका मतलब है कि इस पे थोड़ा कितना करने है यहाँ पे, है ना, ये 30 है ना, तो मतलब यहाँ से कर लो 30 10 हो जाएगी, मतलब 0 से 10 ऊपर कर लो आप, इधर जो ये 0 से 10 ऊपर कर लो, जितने भी देश ईस्ट वाले हैं यहाँ से लेकर ये वाले सारे के सारे यहाँ पर मिला। चलो बताओ, हाँ बताओ हमें 10 से 30 के देशों के नाम बताओ। टेन टू थर्टी, हाँ थर्टी मिले वाले हैं। टेन टू थर्टी के बीच में जितने आते हैं सब बताओ। जब यहाँ से चलो अब देखने की कोशिश करो, मैं अब मैं बोलूंगा सब लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं ब्रीफली एक वर्ल्ड का मैप बनाऊ, इसमें बनाऊंगा तो बनने समझ में नहीं, बट हम एक 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 मैं ऐसे बनाए दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे। ठीक है, अब मान लीजिए जीरो अभी है, थर्टी अभी वो, अब जैसे ये 30 है तो यहां से स्टार्ट हो, चाइना का जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट चाइना का, उधर देखो बेटा उसमें उंगली रखते जाओ उंगली, ठीक है, ये वाला चाइना है, ये साउथ ईस्ट वाला, ये अब यहां से ऐसे चलोगे, यहां से ऐसे चलोगे, हाँ कहाँ चल गए, कहाँ चले जा रहे, ऐसा हाथ धर में जैसे लगता है कि इन्होंने बर्ड मैप बनाया है ना। यहाँ से अब देखो सबसे पहले मिलेगा वियतनाम, अब ये देश आपको याद रखने, हम जब अब बोलते जाएंगे, ठीक है ना, सब अपने काम में देखें, हमें याद है, ब्लैक बोर्ड में देखेंगे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, भारत, भारत के बीच में आता है क्या नाम है, बांग्लादेश है ना, ऐसे खत्म, श्रीलंका भी, ठीक है, श्रीलंका भी सही चल रहा है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर वियतनाम के और इंडोनेशिया के बीच में देखा जाए, ये वाला ये तो पूरा 0 डिग्री हो गया, इसलिए ये वाला हिस्सा, तो ये फिलीपींस, फिलीपींस मिलेगा यहाँ पे, ब्रुनोई वाला आइलैंड मिलता है, ब्रुनोई जो आइलैंड है उसमें 3 देश होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, उसे बोर्नियो बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे, अब मेरी बात इधर फोकस करिएगा, जो ब्रुनोई आइलैंड है उसमें 3 देश आते हैं, उसमें 3 एक मलेशिया का हिस्सा होता है, इंडोनेशिया का हिस्सा, ब्रुनोई का छोटा हिस्सा है, और उस आइलैंड क्या बोला जाता है, ब्रुनोई बोला, भाई पूछा गया एग्जाम, ठीक है ना, इतना ही हो गया। एक बीच में इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक पासेज है जिसका नाम है मलक्का, वहां में छोटा सा डॉट देखो मिलेगा, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी उसकी राजधानी है, मिला मिला, इधर आप इधर पीछे मलक्का स्टेट है, मलक्का जल संधि लिखा होगा, मलक्का जल संधि लिखा होगा, हिंदी की इस्तेमाल करो, इंग्लिश की इस्तेमाल करो, तो जल संधि लिखा होगा, एक बताओ इनको कहाँ, सिंगापुर,
इन्हें खुद नहीं मिल रहा ये बताने जा रहे नहीं सर आप बताए तो सिंगापुर तो ये जावा सुमित्रा है और ये डैप जो नाम देखे मैंने मिला कोई बात अब ध्यान सुनिएगा मैंने इस पासों को याद दिलाया जिसका नाम मलक्का स्टेट है इंग्लिश में स्टेट हिंदी में जनसंधि अब ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा चाइना के पास इस चाइना के पास चाइना को भारत के जो हिंद महासागर है यहाँ तक आने का सिर्फ एक ही रास्ता है पहले बात सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ ठीक है ना चाइना के पास ये भी एक रास्ता है क्योंकि यहाँ पर क्या है हिमालय ठीक है ना तो आ ही नहीं सकता इसीलिए उसने क्या किया पाक से संधि करके पाक से करके यहाँ पर एक रोड इनिशिएटिव बनाया है जिसके तहत वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग कर लिए यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना अगर हम ये पूरा पाक ये जो हिमालय का क्या कंट्रोल बढ़ा लें तो चीन हमारा कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि छोटे से गलियारे में उसको आने के लिए यहाँ पे मिलेगा उसको अंडमान निकोबार यहाँ पर हमने एक बेस बनाया जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस बेस क्लियर है ना मिलिट्री बेस बनाया गया कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉन्कर कर सकते इसीलिए उसने क्या किया सभी देशों के आइलैंडों में क्या किया है वो क्या किया इसे यहाँ पर हरमट्टन बोर्ड है यहाँ पर ग्वादर है इसमें उसने सबको लीज ले रखा है ठीक है ना ये पॉलिसी समझिएगा थोड़ा बहुत इधर आओगे तो इधर में आने पर तुम्हें मिलेगा यहाँ पर सोमालिया ठीक है ना इथोपिया ठीक है ना जिबूती उधर देखो जिबूती मिला सूडान तक और मिस्र तक का हिस्सा आता है ये थोड़ा बहुत इसमें आता है जो जो इजिप्ट या मिस्र लिखा है वो थोड़ा उसका इस हिस्सा ही आता है अब इधर देखिएगा इस वाले जब आपको कैरेबियन सी में आते हो ठीक है ना तो ये जो साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुआना और क्या कहते हैं कोलंबिया मिलेगा ठीक है ना और वेनेजुएला ठीक है ना ये देश मिले ये जो सुरीनामा फ्रेंच गुआना बोलिविया और ये क्या कहते हैं वेनेजुएला ये और इधर क्या नाम है पनामा पनामा की स्टेट विदेश विदेश मिलता है ठीक है ना ग्वाटेमाला और ये मिलते हैं ठीक है ना और इधर कैरेबियन देश मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ क्यूबा लिखा चलो नहीं ठीक है ना सब लिखा हुआ इनके देश में लिखा हुआ जमैका लिखा ठीक है ये क्या है आपका ये बेसिकली आपके क्या है मानसूनी देश क्या नाम है मानसूनी देश है जिस तरह से हम लोग महसूस करते हैं ठंडी महसूस करते हैं उसी तरह से ये देश भी महसूस करते हैं क्लियर है ना ठीक है पता चल गया बस जल्दी करते हैं अरे ऐसा नहीं है अभी जब आप इसको जब अमेरिका वाला देश बोलोगे तो उनको सब मिलेगा ठीक है क्लियर हमने अभी तीन चीजें बताई पहली चीज बताई कि मानसून क्या होता है मानसून कैसे आता है ये बताया और उनकी लोकेशन या अवस्थिति बताइए कहाँ कहाँ पे उनका उनका स्थान है जहाँ पर ही पाएगा ठीक है ना चलिए अब इसके अब जलवायु के बारे में बात करें ठीक है ना जलवायु के बारे में तो जलवायु के बारे में ये देखा गया
एक समय आता है, एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल ड्राई मौसम हो जाता है, सूखा सूखा मतलब मई जून का लू चलती है, गर्मी खूब खूब ड्राई हवा, ड्राई हवा को मतलब नमी नहीं होती उसमें, इसलिए लू चलती है। तो ये समर में होता है, गर्मियों में होता है। जैसे ही विंटर आएगा, विंटर में क्या होता है, विंटर में जस्ट पूरी धूप, अब क्या हो गया, ड्राई भी है लेकिन ठंडी हो चुकी। अब इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो क्या है कि तो ड्राई चीज, ड्राई हवा में अगर ह्यूमिडिटी ऐड हो गया तो खूब बारिश हो, क्लियर है ना। तो एक समय ऐसा आता है जैसे समर आया, समर में जब ड्राई मतलब हमने समर में ह्यूमिडिटी ऐड कर दी तो बरसात बना। अब जब बरसात में या हम एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी ले ले वापस, तो फिर वो ठंडी होना स्टार्ट करेगी, ठंडी आ जाएगी और ठंडी होते 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 फिर उसको गर्म करना स्टार्ट करें हवा, तो गर्म हो जाती है। इसीलिए चार सीजन मेन रहते हैं, तीन या दो सीजन मेन रहते हैं और तीन सीजन मेन मेन रहते हैं और दो रहते हैं ट्रांजिशन फेज, जिसमें एक में ह्यूमिडिटी ऐड होती, एक में ह्यूमिडिटी निकल जाती है, क्लियर है ना। तो ये हमारे उसका ये रहता है मानसून का विशेषता रहती है, इसीलिए इसमें इसके ऋतुओं के नाम पड़े, इसमें ये ऋतुएं रहे। नहीं आया आपको समझ में आया, पक्का ना। चलो तो इस तरह के इसमें ये चीजें हमारे इसमें ऐड हो जाती है। अब जब वो विंटर होगा तो विंटर का जो दशाएं होंगी, वनस्पति होंगी, सब बदल जाती है। और जो सर्दी या जो गर्मी आएगी तो गर्मियों के मौसम मौसम के आधार पर वनस्पतियां आएंगी, और जब बरसात होगा तो बरसात के समय का जो मौसम होता है उसमें भी अलग अलग तरह की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जलवायु के आधार पर सारी वनस्पतियां बदल जाती है, ठीक है ना। आपको वैसे जीव जंतु दिखाई देंगे, अब सांप कब दिखाई देगा, सांप जो है कम दिखाई देते हैं, क्यों क्यों सांप कौन दिखाई देंगे, ठंड आ गई तो अंदर जाएंगे, ठीक है ना। इस समय कौन दिखाई देगा, बघर्रा, बघर्रा बोलते हैं गांव साइड। एक होता है जैसे कि एक होता है जंगली सुअर, जंगली भेड़ को क्या बोलते हैं, बघर्रा, लकड़ा बघा, ये सब सर्दियों में निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनके फेवरेट जगह होती है। अब जैसे कि बरसात शुरू होती है तो मेढक बहुत आया तो मिल जाते हैं, इस समय नहीं दिखाई देंगे, चूहों के चूड़ ये सब आपको दिखाई देते, लेकिन इस समय ऐसे ही खाने में भी होता है, खाने से आप सब लोग जानते हो क्योंकि ये डेली चीजें है, कोई आलू खा रहा है सुबह, जैसे कि अब इस समय कोई कह दे कि ककड़ी खा लें, अच्छी दिलेगी, उसको खाने लगेगी, है ना। कोई कह दे कि तरबूज मिलने को खरबूजे भी मिल जाए, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। आम अभी है ना आपको अच्छे लगे, सर्दियों में जैसे गर्मी में नाम लो आम का मन करता है ना, हम यहाँ आया पानी हाँ इमली कैसा पानी तो आ गया, हाँ तो फिर सड़क टूटा एक सब्जी के फसल सड़क टूटा देखिए वो मुझे होती कैसे बताया जरा, वो बेसन को आलू की तरह बना दिया, अब फिर उसको बनाया बेसन की सब्जी, उसको बेसन खाते सब्जी, हां उसको गट्टे की सब्जी बोलते हैं, बेसन के आलू, हां बेसन के आलू बोलते हैं, उसको राजस्थानी लैंग्वेज में गट्टे, हां गट्टे। और इधर हमारे तक कानपुर साइड में बोलते हैं सरक टूटा, ये पहली बार गट्टे की सब्जी तो सुना है, चल हो गया हो गया पेट भर गया नहीं,
तो इतनी चीजें मानसून। अब हमें जो बताना है देश के नाम हमको वो लिखा नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आप बस लिख लो कि मानसून क्यों चेंजमेंट होता है, उसको इंग्लिश लिख लो ताकि याद बना रहे आप। ये डाल दो मानसून, मानसून बस एक चीज और बस आना रहेगा कि पत्ते पेड़ पेड़ जो है पत्ते क्यों गिरा दे। मानसून है डालो सुन लो, वैसे आप भी लिख लिया उन्होंने लिखा है दीदी, क्या बोलते हो? आइए दस चलिए मानसून में लिखेगा। तो मानसून की परिभाषा लिखा है सारे, तो लिखो मानसून की परिभाषा। मानसून इज अ नेचुरल फिनोमेना, मानसून इज अ नेचुरल फिनोमेना इन विच इज अ नेचुरल फिनोमेना विच इन विच वी चेंज वी ऑब्जर्व द चेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सीजन। We observe three different types of the season directly. अब तीनों के नाम लिख लो, विंटर समर रेनी। अभी रुको, अभी आपको between season we observe two transition phase also। अब लिख लीजिए वर्ड ना लेना, between season we observe two transition phase, वर्ड ना लेना वर्ड ना आत्मन लिख लिया। अब उनके दोनों नाम लिखो, लिख लिया पर अटमन वचन, ठीक है। अब वो पैराग्राफ चेंज करके हम कॉज लिखा रहे हैं, हेडिंग बटा लिए कॉज, पैराग्राफ चेंज करिए। As sun shift north to south, here south to sun, south to south, north to south and south, north to south to north. As sun shift north to south, south to north, air pressure builds also shift. Air pressure belt also आगे लिखो, इसमें आगे लिखना। When sun is over Cancer line, south, when sun is just over the Cancer line, then south trade winds shift towards the north hemisphere. South trade wind, main likha hai unki trade winds shift towards the north hemisphere. Yeah.
वेर एंड जस्ट अपोजिट एंड वाइस वर्सा सब इस्तेमाल होता होता है वाइस वर्सा या जस्ट अपोजिट केस इन जस्ट अपोजिट केस इन जस्ट अपोजिट केस सन इज वर्टिकली जस्ट ओवर द कैप्रिकॉर्न लैंड then north westerly winds try to lay down over the north trade winds north trade winds ये बात समझ में आई नहीं समझ में बस इसको इतना यही कॉज है इसका ठीक है ना जब हम नॉर्थ विंड जब वेस्ट विंड के पास संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे पास सर्दी को महसूस करते हैं बस लिखिएगा वी फील वी ऑब्जर्व हियर इन दिस सिचुएशन विंटर वी ऑब्जर्व इन दिस सिचुएशन विंटर ठीक है और जब समर का जो आएगा तो समर भी लेगा उसमें लिखा जो नहीं बस विंटर पता है बस एक लाइन और लिखिएगा दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसमें बारिश भी होती कोई दिक्कत नहीं सबको पता लिखी होती है ठीक है अब हिंदी में लिखा जाए मानसून एक प्राकृतिक घटना है जिसमें हम मानसून एक प्राकृतिक घटना है जिसमें हम ऋतुवत परिवर्तन देखते हैं ऋतुवत तीन मुख्य परिवर्तन देखते हैं ऋतुवत तीन मुख्य परिवर्तन देखते हैं तीनों के नाम लिखिए देखते हैं डैश करके क्या लिखा तीन मुख्य परिवर्तन देखते हैं एक पार्टी जिसमें हम ऋतुवत परिवर्तन देखते हैं आगे लिखो तीनों के नाम लिखो ग्रीस मानसून वर्षा वाला और वर्षा और वर्षा हम तीन मुख देखते वर्षा की मध्य जिनके मध्य में दो संक्रमण क्षेत्र पाए जाते हैं जिनके मध्य में दो संक्रमण क्षेत्र पाए जाते हैं सरित एवं पसंद एवं बसंत ठीक है ना बस इतना मानसून ये मानसून देखो जो मैंने नहीं लिखा आप इसे सरल रूप में लिखा है सरल रूप पता है ना क्या होती है बताओ बेटा सरल रूप क्या होती है
मैंने पांच लिखा है, एक होता है ग्रीष्म, एक होती वर्षा ऋतु, एक होती है शीत ऋतु। ये तीनों पता है, शीत में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो ट्रांजिशन फेस होता है, मतलब संक्रमण से बनता है। एक बताया मैंने बसंत, एक बताया शरद ऋतु। अब शरद ऋतु क्या होती है? तो शीत ऋतु क्या होती है? संक्रमण क्षेत्र का मतलब होता है जब हम बरसात से शीत में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो जो ये जो समय है शीत ऋतु, अगर बोल देते हैं आप नवंबर से अक्टूबर नवंबर में बोलते हैं तो अभी है, अभी तक बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, है ना, और ना बहुत ज्यादा गर्मी तो है ही नहीं है, गर्मी है लेकिन जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो गर्मी लगेगी, पर अभी ये संक्रमण क्षेत्र है ना। अब जैसे बसंत ऋतु बोला तो जैसे शीत के बाद सीधा गर्मी में हम नहीं जा सकते, एक समय आता है बसंत पतझड़ का समय आता है जब पेड़ सब पत्तियां कहीं गिर जाती हैं, वो बसंत ऋतु होती है, ठीक है ना, क्लियर है ना। शरद ऋतु क्या होती है? जब हम बरसात से ठंडी की ओर जा रहे होते हैं, जब जब शीत ऋतु से जब विंटर से जब समर की ओर जा रहे होते, तो बीच का जो क्षेत्र आता है वो आता है मार्च अप्रैल, वो किसमें आता है? क्लियर है ना। अभी लिखा नहीं रहे, ये बहुत छोटा विषय होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब कॉज लिखा जाए, हेडिंग डालेंगे, कॉज समझ में आया पुलिस हो गया, है ना। अब कॉज हेडिंग डालेंगे, हम बता रहे हैं कॉज क्या होता है। ऋतुवत परिवर्तन का मुख्य कारण वायुदाब पेटियों का खिसकाव है, ऋतुवत पेटियों का ऋतुवत परिवर्तन का कारण वायुदाब पेटियों का खिसकाव है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, तब कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, तब दक्षिण गोलार्ध की व्यापारी कॉलोनी उत्तरी गोलार्ध की कॉलोनी उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने लगती है, ऐसे उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने लगती है। ठीक है, आगे लिखो, इसी की विपरीत स्थिति में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत मकर रेखा पर लंबवत तब व्यापारिक पवनों का स्थान
व्यापारिक भवनों का स्थान। पछुआ भवने ले लेते हैं इससे भारत में पछुआ भवने ले लेते हैं। टेलीग्राम में उत्तर भारत में पश्चिमी विश्व का और भारत में पश्चिमी विश्व का दो ऐसी स्थिति होती है जो हिंदी में नहीं लिखा है इंग्लिश में नहीं लिखा है। दो ऐसी स्थिति होती है जो सूर्य किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा मतलब ये 0 डिग्री के ऊपर होती है, ठीक है ना। एक होती है 23 सितंबर और एक होती है 22 मार्च। ये वो डेट है जो सूर्य की किरणें लगभग होती है कहां पर जब सूर्य किरण यहाँ पर लंबवत होती है तो पृथ्वी का मान 0 डिग्री है तो पृथ्वी को बराबर बराबर दोनों गोलार्धों में इस वाले उत्तरी और साउथ दक्षिणी या साउथ जैसा है दोनों गोलार्ध बराबर बराबर उष्मा मिलती है इसीलिए ना ये ज्यादा गर्म होता है ना ये इसीलिए कंडीशन फिर बन जाता है। बस एक पॉइंट और बताना, शरद ऋतु में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब बरसात से आज शीत ऋतु से हम समर की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं जो पतझड़ का समय आता है तो उस पतझड़ में एक विशेषता आती है पेड़ पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं या देखा जाए तो फसलें पक जाती जैसे गेहूं जैसे फसलें पकती हैं तो ये इनका पकने की वजह क्या होती है। अगर देखा जाए यहाँ तक कहा गया है जो गन्ना होता है शुगर केन होता है अगर उसमें उसकी पिराई ना की जाए या जो मार्केट में जो गन्ने का रस बेचा जाता है ये ना दिया जाए तो गन्ना सूख जाता है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि पेड़ पौधे सूख जाते हैं या पत्तियां गिरा देते हैं ये जानना बहुत जरूरी है और सर्दियों में ही ऐसा करते हैं। बहुत लोग तो परेशान हो जाते हैं गाँव में तो जो सुबह झाड़ू लगाते हैं झाड़ू लेकर के तो उनकी पत्तियों का ढेर लग जाता है बाद में उसको जलाएंगे है ना तो वो क्या है ऐसा क्यों है बस ये जानना है कुछ आइडिया है बताओ किसका पत्तियों का नहीं जल बचाने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं तो ऑफ दिया डिफरेंट हो आइडिया है आप तुलसी का सूप भी सर्दियों में नहीं पाला पड़ना है एक वजह है कि पाला पड़ने से सूखना स्टार्ट करती है लेकिन सूखती कब है वो मार्च अप्रैल में सूखी बिल्कुल फेंकी जाती है वो पतझड़ के ही समय होता है
है ना, तो ऐसा क्यों? आप आइडियो पर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, सोचो वास्तु सर्जन क्या होता है यहाँ पे आइडिया दिमाग लगाओ वास्तु सर्जन क्या होता है लेपोराइजेशन है क्या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेपोराइजेशन पानी का मतलब सुपर पत्तियों के उसमें भागों के ऊपर से जाती है बात है। हमारे यहाँ सामान्यता सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर तक बारिश है। अब जो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये तीन महीने ऐसे बीतते हैं जब पौधों को पानी नहीं मिलता, पेड़ों को पानी नहीं मिलता, कौन पानी देता है, नीम कौन पानी चढ़ाता है, तो वो थोड़ा वो ले पाते हैं तो जड़ों से माध्यम से वो जमीन की जो नमी है उसको ले पाते, ठीक है ना, नमी तो रही नहीं उनके पास, तो जब उनके पास नमी नहीं रहती, जब उनके पास जल नहीं रहता तो अपने आप को प्रिजर्व रखने के लिए, अपने जो भी जल उसको संरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे होता है क्लोरोफिल होता है, ऐसे येलो क्लोरोफिल का एक एंजाइम नहीं एक हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं जिससे उनकी बॉडी में येलो कलर आने लगता है। अब येलो कलर क्या है, वो ड्राइनेस ऑफ द प्लांट बन जाता है, सूखा का प्रॉब्लम बन जाता है। और चूंकि वो पूरा का पूरा वो येलो जैसे हो जाता है तो उसमें उसमें कोई ताकत नहीं बचती, फिर उसको गिरी जाना होता है। सर अगर पानी दो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो नहीं होगा नहीं होगा अगर उसको प्रॉपर किसी ऐसे बहुत से ऐसे होते हैं जैसे कि गन्ना का खेत एक साल का नहीं होता है, दो तीन साल का होता है ना, ऐसा होता है। अब वो कैसे सरवाइव करता है, फिर किसान उसको पानी देता है। मेरे यहाँ काफी सारे प्लांट्स हैं, सब सूख जाते हैं। तो अब वो प्लांट कैसे सूख जाते हैं, जैसे कि गुलाब का पेड़, अब जैसे एक 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 लाइफ ही हो, ठीक है ना, एक लाइफ, जैसे कि एक आता है गेंदा का, गेंदा फूल की लाइफ ही इतनी एक साल बढ़ सकती है, या जो अपने उसको संरक्षित रख लेते हैं उनके यहाँ दो तीन साल तक बना रहता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है ना। लेकिन बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या होता है कि अगर पौधों में सर्दियों की समय आता है तो उनके पास ज्यादा जल नहीं है, और पौधों को जल चाहिए जैसे भाप को भोजन के समय जल चाहिए, क्योंकि बिना उसके जो 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 रिएक्शन होती है ग्लूकोज बनाने की फोटोसिंथेसिस की, उसमें जल चाहिए चाहिए पौधे, तो इस जल की कमी को दूर ना होने की जो कमी है उसको कैसे बचाव रखें, उसको प्रिजर्व रखें, वो क्या करते हैं पत्तियों को भी इसका चाहिए पानी चाहिए जल चाहिए, इसलिए वो पत्तियां ही अपने गिरा देते हैं, सारी पत्तियां गिरा देते हैं, इससे वो अपने जल को संरक्षित कर लेते। अच्छा एक चीज और है, वो सर्दियों में पत्तियां नहीं गिरती, जब बसंत ऋतु आती है तब पत्तियां गिरती, क्योंकि ड्राइनेस आने लगी है एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस आती है तो ड्राइनेस की वजह से वो क्या करते हैं कि अब ज्यादा उनको पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, तो जब पानी ज्यादा चाहिए जैसे जैसे कि हमारी बॉडी में जब पसीना कब आता है, जब धूप ज्यादा लगती है तब पसीना निकलता है गर्मियों में, ऐसे ही हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी में स्वेटिंग कराते हैं, हमारी बॉडी में जब पसीना आता है तो हम उनका तापमान बराबर कर लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, वो जैसे उनको जैसे ड्राइनेस आने बढ़ने स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में, तो उनको जैसे ही उसमें मिलती है तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो पसीना तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करते हैं अपने वाष्पीकरण को रोकने के लिए अपना जो वाटर ज्यादा निकल ना जाए बॉडी से तो पत्तियां गिरा देते हैं। ये मैंने मतलब बोला ना येलो नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे जिसे क्लोरोफिल होता है, ऐसे येलो क्लोरोफिल बोला जाएगा, और उससे वो क्या करते हैं पौधों क्या करते हैं वो पूरे बॉडी को भर जाता है, इससे वो उनका जो जल अंदर वो वाष्पीकरण नहीं हो पाता, वो वही बना रहता है। Yeah,
और इससे वो अपने आप को प्रिजर्व कर ले। तो ये एक प्रोसाइंटिक का जो आपको पता होगा, तो थोड़ा बस सरल रूप में लिख लीजिएगा। आप वर्णक बोलते हैं बसंत पंचमी को, वर्णक तो लिख लीजिएगा। बस यही दिखा रहा हूं, बाकी में वर्ण लिखना है और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु इंग्लिश में लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखिए वर्णक सीजन। प्लांट्स गो थ्रू around 3 months without water, with cold, with cold, to preserve rest of the water. To preserve rest of the water, plants rides up. Ride up मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। Ride up, ride up, ride up is sleep. It's sleep for you. और इसलिए बस राइट अप का मतलब त्यागना मतलब होता है हमेशा ही, त्याग चीज हमेशा ही होती है। मैंने बोल दिया कि मैंने उसको त्याग दिया तो हमेशा ही त्याग तो क्या राइट अप नहीं, राइट अप का मतलब होता है छोड़ देना। और राइट अप नहीं है, राइट of ride off, clear? And this season is called as the Varna. This season is called as the Varna. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है मैं से लिखा। The whole process called as the vaporization of the plant. एक होता है जाइलम एंड फाइलम सिस्टम होता है प्लांट्स, जानते हो? बताओ तो क्या सुना तो है कब? बहुत सुना है। गौतम बुद्ध की सुना? नहीं। हाँ। कब? जब कई कई नाराज हो गए तो सर? नहीं सर, जब पढ़ा है तो सुना है। कब सुना? तो जब पढ़ा है ये बोलो कि सर जब पढ़ा था सुना नहीं था। बताइएगा। सुना तो सुना है। बताया कि नहीं चला ये क्या पूछा आपसे? जाइलम तो फाइलम, जाइलम का मतलब होता है जल का रेगुलेशन, फाइलम का मतलब होता है भोजन का। जो पौधे जो भी भोजन भोजन बनाते हैं वो हर जगह तक पहुंचे, फाइलम सिस्टम कहलाता है। जाइलम सिस्टम क्या होता है? जड़ें जो जल जड़ों के द्वारा जो जल मिलता है पौधों और पूरे बॉडी में पहुंचे वो क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। बॉडी प्लांट्स में दो सिस्टम्स होते हैं, एक जाइलम एंड फाइलम। फाइलम का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है ना, तो एप्पल से मान लीजिए पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है, तो पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो भी मिनरल्स हैं उसमें आयरन आयरन का जो भी है, मिठास भी होता है, ग्लूकोज भी होगा, तो ये सारी चीजें जैसे हैं तो ये सारे सारे जाइलम के द्वारा पूरे बॉडी में फैला दिए, सॉरी फाइलम के द्वारा पूरे बॉडी में फैला दिए। क्योंकि पेड़ से जाइलम हो जाएगा तो पौधों में पेड़ तो होता नहीं,
तो वो इसके थ्रू पूरे बॉडी में फैलाएगा। अब मान लीजिएगा जल हमने लिया, ठीक है ना, तो जल को पूरे बॉडी में फैलाने के लिए हमारे पास क्या है, नर्व्स है, नसें बोलते हैं नर्व्स। अब ऐसे पौधों में भी है, तो पौधों में जाइलम के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि मान लीजिए एक अगर प्लांट है तो उसमें दो तरह की नर्व सिस्टम होगी, एक जाइलम की बनी होगी, एक होगी फाइलम। जाइलम में जल का पूरा रेगुलेशन होगा, फाइलम में मतलब अन्य चीजों का होगा, एनर्जी चीजों का होगा, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः जाइलम का उपयोग होता है, ठीक है, वो क्या करता है जाइलम वाली नसों को सोख लेता है, सिकोड़ लेता है, जल ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाता, बस ये सिस्टम है। बाकी ज्यादा हिंदी में लिखा है, बाय बाय वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हाई स्कूल में नाइन पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, टेंथ तक पढ़ी है, हाँ वही तो, मेरे समय में एक ही सिलेबस हो गया था पूरा का पूरा, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बुक की अलग अलग बुक आती थी, जब फिर जब मेरा बोर्ड में समय आया था एक ओवर, नहीं पता नहीं। मैं यूपी बोर्ड से, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल में, हाई स्कूल में सर, हाँ मैं वही कर रहा था, मेरे समय में एक था, पहले अलग अलग हुआ, दीदी जब मैं पढ़ती थी दीदी से, हाँ हिंदी में लिखा जाए उसका इस ऋतु के दौरान पौधे लगभग तीन माह के अंतराल, लगभग तीन माह के दौरान जल का अभाव महसूस करते हैं, ये दौरान पौधे लगभग तीन माह का जल अभाव महसूस करते हैं, अपने बचे हुए जल का संरक्षण करने के लिए। सर लगभग तीन माह का जल का भाव में महसूस करते हैं, अपने हुए जल बचे हुए जल का संरक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बचे हुए जल का संरक्षण करने के लिए वो अपनी पत्तियों को गिरा देते, इस स्थिति को ही बसंत कहा जाता है। स्थिति को बसंत, और कुछ लिखा है इसमें कोई साइंस की भाषा बताओ, आगे लिखिएगा, वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर को पौधों को वाष्पीकरण की दर को नियंत्रण करना ही पौधों का मुख्य कार्य होता है। वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण दर की क्रिया को नियंत्रण करना पौधों का मुख्य कार्य होता है, का मुख्य कार्य होता है।
for the स्पीड्स बैटिंग आपकी अच्छी है टेंशन ना लो ओके इतना ही हो ठीक है ज्यादा मत चलिए बसंत हो गया वो हो गया हाँ धीरे धीरे हो गए मानसून हो गया अब आते हैं सवाल बैक लोग बैक खोलो बैक समाना कहाँ लिखा है पैसा पूरा दिया पर चलिए छोड़ दो अब यही 10 से 30 के बीच में जैसे मानसून का रीजन छूटता है मानसून का क्षेत्र छूटता है तो हमारा सवाना अब सवाना इसे क्यों कहा जाता है सवाना एक अफ्रीका का एक अफ्रीका के मध्य में उत्तर अफ्रीका के उत्तर में पाया जाने वाला एक हिस्सा है जहां पर वो क्षेत्र है सवाना एक वो क्षेत्र आता है जहां पर वर्षा की मात्रा पहुंच नहीं पाती या वर्षा बहुत थोड़ी मात्रा पहुंच पाती है जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइनेस ज्यादा रहती है ठीक है यहाँ पर ड्राइनेस ज्यादा रहती है सवाना इसका नाम इसलिए पड़ा सवाना इसलिए पड़ा क्योंकि अफ्रीका में ही सबसे विशेष रूप से जलवायु पाती की जाती है पानी भाई में भारत में पाई जाती है लेकिन अफ्रीका में ये विशुद्ध रूप से शुद्ध दो रूप में दिखाई देती है हमारे यहाँ भी पाया जाता है जो भी बुंदेलखंड में रहते हैं सवाना क्षेत्र है दिल्ली सवाना क्षेत्र है हमीरपुर जैसे स्टार्ट होता है सवाना स्टार्ट हो जाता है और कभी आप हमीरपुर जाओ और हमीरपुर का बेतवा का क्षेत्र देखो दिखा है पहले जैसे कालपी देखो कालपी देखा है अब कालपी की जमुना जी को जैसे ही क्रॉस करोगे जमुना जी को क्रॉस जैसे हम पूरा ही जब पहुंचते हो जमुना जी क्रॉस करते जाते हैं तो जैसे ही आप जमुना जी क्रॉस करके जाते हो तो वहां पे आपको बेर जैसे झाड़ियां बहुत मिलेगी देखा है एक छोटे छोटे बेर आते हैं झाड़ियों में रहते ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं समाना रिश्ता बेर मिलेंगे बहुत ज्यादा आप इधर चले जाइए गंगा को इस पार देखेंगे बेर की आपको बेर नहीं मिलेंगे इधर बेर मिलेंगे तो बड़े वाले बेर मिलेंगे ठीक है ना अब इसको दूसरे भाषा में कहा जाए कांटे वाले पौधे स्टार्ट जो होना स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वहां पर इस रूप से देखा जाए तो गुलाब जो है समाना क्षेत्र का है ठीक है इसीलिए सर्दियों में ज्यादा वो नहीं किया जाता बरसात में बरसात के बाद लगाया जाता है उसका समय होता है और ये ज्यादा हुआ से होता है सूख जाता है गुलाब की खेती होती है ना इसीलिए कभी साइंटिफिक होने लगी महंगे भी खेती होती है समय से भी महंगा होता है भी हमारे गांव में लोग लगा रखे हैं एक बीघा बीघा बोलते हैं अपने एकड़ बोलते हैं बीघा तो बीघा लगा रखे हैं लोग और सारे का 87 रुपए किलो बेचा जा रहा गुलाब की खेती कर तो सवाना क्षेत्र में क्या है सवाना क्षेत्र में क्या है सवाना एक वो क्षेत्र है जहां पर जल की मात्रा बहुत कम और तापमान ठीक ठाक रहता है क्योंकि बीच का वही स्थान जब 21 जून का समय आएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी और सर्दी का समय आएगा तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी विंटर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा तो पर इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है अब किसी बात की चर्चा करनी जल की मात्रा कम क्यों हो जाती है ये चर्चा करनी है ठीक है ना अब जैसे हमने बताया था ये कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा जब 0 डिग्री पर सूर्य किरणें हुई तो समानता हवाएं ऐसे चला अब जैसे ही कर्क रेखा पर
या कैंसर लाइन पर सूर्य किरणें भटकी होती हैं, तो ये जो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री पर जो रेखा है वो इधर से जाती है और ये वाला इधर चला जाता है। अब देखिएगा ये वाली हवाएं ऐसे की लाइन मुड़ेगी, मान ली एक हवा यहाँ पर है, मान ली यहाँ पर बिल्कुल किनारे समुद्र के बिल्कुल यहाँ पाया जाएगा तो मिलेगा आपको 0 डिग्री, तो केन्या सोमालिया जैसे देश मिलेंगे। अब यहाँ सोमालिया मिलेगा और सोमालिया से समुद्र समुद्र किनारे हिंद महासागर है, यहाँ से एक हवा चली, एक हवा चली जो बहुत ज्यादा जल की मात्रा में है, लेकिन जैसे हवा चलती चुकी हवा को दाएं ओर मुड़ना होता है तो ये हवा बस छू के वो दस निकल आती है और छूते समय प्रयोग बारिश हो जाए तो हो जाए तो अगर बारिश होने की संभावना खत्म हो, इसीलिए सामान्य क्षेत्र में बारिश कम होती, इसीलिए बुंदेलखंड में बारिश कम होती क्योंकि हवा को मुड़ दाएं ओर मुड़ जाती है, इसीलिए हवा शिफ्ट कर जाती है उत्तराखंड की ओर, तो उत्तराखंड में ज्यादा बारिश होती है क्योंकि हवा जा करके इधर शिफ्ट हो जाती है। जैसे हवा यहाँ चली, जैसे मैं जैसे भारत में ही मैप देख बना रहा हूँ, अब ये भारत का मैप, अब मान लेते हैं ये दिल्ली है, ये दिल्ली है और ये बुंदेलखंड है। अब मान लीजिए यहां से हवा चली तो ऐसे मुड़ जाती है, और मान लीजिए महाराष्ट्र से हवा प्रवेश करे, यहाँ अरब सागर है, यहां से हवा प्रवेश करेगी तो ये ऐसे, मान लीजिए यहां से ऐसे करती, राजस्थान की क्षेत्र बारिश हो ही नहीं पाती, हो ही नहीं सकती कभी, क्यों? क्योंकि हवा यहां से जाएगी ऐसे मुड़ी जाती, राजस्थान वहां पहुंच ही नहीं पाएगी वर्षा में, और इधर थोड़ी बहुत बारिश हो भी सकती है, जब ज्यादा मुड़ जाएगी तो बुंदेलखंड में बारिश नहीं, दिल्ली में भी इसीलिए क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश इसलिए हो जाती है क्योंकि हवा मुड़ते समय थोड़ी बहुत दिल्ली और बुंदेलखंड से गुजरती है। अब जब ये वाली हवा है तो ऐसे जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल और बिहार और गोरखपुर इस वजह से सवाना क्षेत्र में बारिश कम होती है। क्लियर? कोई डाउट? तो जब सवाना क्षेत्र में बारिश कम होगी तो सवाना क्षेत्र क्या है? सवाना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर पाया जाता है 10 और 30 के बीच में पाया जाता है, लेकिन मानसून के बेस्ट में पाया जाता है। उस क्षेत्र में क्या होता है कि वर्षा की मात्रा वहां पर नहीं पहुंच पाती ज्यादा, इसलिए यहाँ पे बारिश कम, और जब बारिश कम होगी जब एक ऐसी धरती है जहां पर यह पृथ्वी है, धरती बोलेंगे, जहां पर यह मिट्टी है जहां पर बारिश बहुत कम पहुंचती है, जब जल की मात्रा इधर कम है, जब लैक ऑफ वाटर है, तो उस जगह पर कैसे पौधे स्टैंड कर पाएंगे? तो वहां पे पौधे या कैसे पेड़ नहीं होते, सिर्फ झाड़ियां होती, बड़ी बड़ी घासें होंगी, वहां एक स्ट्रेंथ होती है ना, जाइलम फाइलम से क्या होती है, पौधे में स्टेमिना आती, स्ट्रेंथ बढ़ती, जैसे कि हम लोगों को जैसे कि बिना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी काम नहीं करती है ना, हमें न्यूट्रिशन चाहिए चाहिए, आप बिना जल के या बिना जल के कुछ समय तक अपना जीवन सरवाइव कर सकते हो, लेकिन उस समय आपका शरीर बिल्कुल दुबला पतला होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बॉडी को खाना स्टार्ट कर देगी आपकी फैट को, लेकिन एक समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, हफ्ते भर से ज्यादा नहीं, अगर आप जल ले रहे हो हफ्ते भर तक जी ले रहे हो और वर्कआउट बराबर कर रहे हो तो और कम, और अगर आप भोजन ले रहे हो वर्कआउट नहीं कर रहे हो तब क्या होगा, बॉडी बढ़ेगी। क्लियर? ओवरऑल हमारे उत्तर भारत में लोग भोजन ज्यादा ले रहे हैं और वर्कआउट कम कर रहे हैं, है ना, इसीलिए मोटापे की बीमारी है। अब हम बात करें समाधान में, जब जल नहीं है, जल का अभाव है तो क्या होता है, झाड़ियां पाई जाती, बड़ी बड़ी घासें, हाथी घास बोला जाता है, एलिफेंट घास बोलते, क्यों? हाथी के बराबर वजन छोटी घास देखते ना,
हाथी की साइज के बराबर घासें होती, हाथी छुप जाते हैं जी। हाँ, तो ऐसी घास भी मैं आपको दिखाएंगे यही आए हैं। और इसलिए वहां पे जल का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे विशेष रूप से पेड़ पाया जाता है, इसको बोलते हैं बाओबाब। बाओबाब एक ऐसा पेड़ है, हमारे यहाँ नारियल होता है, नारियल के अंदर फल के अंदर जल होता है, उसमें एक स्टेम है, तना है, और तना के अंदर जल पाया जाता है और बहुत बड़ा होता है। लोग क्या करते हैं उसमें जाते हैं, अपना छोटा सा होल करेंगे, उसमें पानी निकालेंगे, फिर बंद कर देंगे, होटल का सिस्टम बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से एक पेड़ पाया था बाबा नाम का, फेमस है इसके यहाँ पर, तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो बहुत बड़ा पेड़ होता है। और पेड़ क्या, उसमें ज्यादा ब्रांचेस भी होती, बस ऐसे ऐसे बना होता है, वैसे दूसरी भी होती है, और फिर ऐसे और ऐसे ऐसे ही ब्रांच, इतनी मोटी स्टेम होती। अब यह लोग गए, लोग सीढ़ी लगा के गए और यहाँ पर छोटा सा होल किया, करने के बाद इसमें कुछ कैप लगा दिया, कुछ लगा दिए, लकड़ी लगा दिया, कुछ कर दिया, टेप लगा दिया, तो उस तरह से उसमें रुक गया, ठीक है। सवाना तो आएगा बाओ 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 सर, आपकी वाणी को बहुत अच्छी है, अच्छा आज भी लाए हैं, ठीक है, अच्छी है सर। ये सर ऐसे सेट भी होते हैं, हाँ ये तो उनको दिखो सर, कोई अच्छी हो बताइए मुझे, तो जो करेक्ट है ना, तो इसमें लैंग्वेज भी अच्छी है सर, थोड़ी पढ़ भी ये लिखेगा इतने लोगों ने मान लिया सर, बहुत बड़ा भी नहीं है। ये है बाओ बाओ, ये जहाँ से छोटे ये है, सब वो लोग क्या करते हैं, बोल करके उसमें जल निकालते हैं सर, निकल आता है सही बार होता है, सही बार होता है, हाँ टैंकी की तरह होता है, टैंकी की तरह होता है, टैंक बड़ा टैंक होता है, यही तो प्रकृति है, वहां पे लोगों के पास जल ज्यादा है ही नहीं, है ना, वहां पे ज्यादा लोगों के पास जल है नहीं, तो लोग क्या करते हैं ऐसे अपना कर लेते हैं। लोग यहाँ पे चारा वाह होते हैं ना, ऐसे तो यहाँ पे घास पाए जाते, बड़ी बड़ी घास पाए, और पेड़ नहीं होते। पेड़ कैसे मिलेंगे, एक पूरे के पूरे मैदान में कहीं बीच में एक ऐसा पेड़ मिल जाए जैसा, एक दुख का पेड़ है। अब वो पेड़ कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक लॉज बन जाए, खट बन जाए, अब उसमें बारिश होने लगी, थोड़ी बहुत पानी भर जाए, और उसमें एक पेड़ लगा दो, तो गड्ढा बना रहता है, तो बस उसी में थोड़ा बहुत पानी, बाकी सारे सारे क्या है, घास का मैदान। सवाना बेसिकली रूप से ग्रास लैंड का था, ठीक है ना, तो सवाना में ग्रास, इसे ये कहते हैं बुंदेलखंड में घासें ज्यादा है, बुंदेलखंड में अच्छा गेहूं नहीं हो सकता, पता पता है अच्छा गेहूं नहीं होता, और जैसे जैसे और आप जाले जाओगे महोबा साइड में चले जाओगे, महोबा मोदा जहां से वहां और कम है, ये तो मैं शुरुआत बता रहा हूँ, यहाँ ये तो शुरुआत में ही रहती हूँ, रही वही में ही प्रॉब्लम रहते हूँ, यहाँ शुरुआत है, ठीक है ना, मेरा भी गांव आटा पड़ता है ना, तो मुझे पड़ता है तो यहां से इस तरह से धीरे कम होता चला जाता है। अगर आप ग्वालियर साइड चले जाओ, ग्वालियर सतना और क्या झांसी, बिल्कुल विशुद्ध रूप से आपको मिलेगा, झांसी बस फर्क क्या है कि झांसी जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेड स्टोन का है, तो यहाँ पर रेड स्टोन की वजह से क्या लाल लाल सी सूखा नहीं है, सूखा का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है सूखा, सूखा अपना नेचुरल रूप से अगर रहे तो सवाना जैसे, क्योंकि हम वहां रहते हैं तो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट कर चुके हैं, वाटर का ट्यूब वेल है, नहरें हैं, आपको जो मैंने बताया था ना अर्जुन बेतवा जो बने, अर्जुन
नहर निकाली गई और अभी केन बेतवा के माध्यम से नहर निकाली गई, जिस वजह से सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई, इरीगेशन किया, इस वजह से वहां पर जल की मात्रा है, तभी लोग कृषि कर लेते हैं। लेकिन वहां के लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे बोलेंगे चना बोएंगे, मसूर की दाल बोलते हैं, मूंग की दाल बोलते हैं, अरहर की दाल बोलते हैं, वहां ज्यादा गन्ना नहीं होता है, गन्ना नहीं होता होगा तुम्हारे देश थोड़ा बहुत गेहूं होगा, गेहूं थोड़ा बहुत होता है, चावल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह की फसलें ज्यादा होती है। देखिए मोटे अनाज की फसलें ज्यादा होती है, मोटे अनाज का मतलब दाल दाल वाली फसलें ज्यादा, ठीक है। तो ये सवाना है। अब सवाना में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सवाना का सबसे फेमस जीव जो होता है हाथी होता है, व्हाइट एलिफेंट और जिराफ। हाथी की तीन प्रजातियां हैं पूरे पृथ्वी में, हाथी की 30 प्रजातियां। एक हाथी जो हमारे यहाँ होता है काला टाइप का, वो होता है दक्षिण भारत, ठीक है ना। एक होता है उत्तर भारत का ज्यादा काला ना हो, एक होता है थाईलैंड साइड का, थाईलैंड का हाथी बिल्कुल व्हाइट होता है, ठीक है ना, व्हाइट होता है, वह सूट कान तो व्हाइट होता है। अब एक होता है अफ्रीकन होता है, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिमेंट होता है थोड़ा सा ब्राउन टाइप का होता है, ना वो व्हाइट होगा ना ब्लैक होगा, कैसा होगा, ब्राउन टाइप का होगा, जैसे कि घोड़ा ब्राउन टाइप का। अब इसे हमारे यहाँ घोड़ा कैसा मिलता है, काला होगा, कहीं कहीं अब साइबेरिया जैसे देश में मिलेगा वहां सफेद घोड़ा मिलेगा, यहाँ पे कैसे ब्राउन ये भी हो सकता है, ब्राउन क्या क्लाइमेट अकॉर्डिंग अपने आप को ढलते हैं, है ना, वहां का क्लाइमेट ही ऐसा, ठीक है ना। जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं गोरे, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा में रहते हैं वो काले, और जो हम लोग रहते हैं कभी गोरे कभी काले, हम लोग बीच बजाते हैं, ठीक है, पता चल गया। तो अभी बाद में इसकी फोटो खींच लेना, ठीक है, अपने हिंदी वैसे तो आपको बड़ी बात नहीं है कि अगर आप चाहो तो फोटो को सर लिखा हुआ इंग्लिश में पढ़ना पढ़ोगे समझ में आ जाता है। हमेशा क्यों नहीं दे सकता, अभी बुक मिलती नहीं है बाजार, ये हम उसके अंडर में करते हैं तो इन्होंने हमको दे रहे, ठीक है ना। सवाना में आपको क्या जानना है, एक लोकेशन जाननी है, लोकेशन क्या होगी, बेसिकली लोकेशन क्या हो गई, ये 10-30 के बीच में पाए जाते हैं, दोनों नॉर्थ और साउथ में पाए जाएंगे, पर ये कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, कॉन्टिनेंट के महाद्वीपों के बीच में पाए जाएंगे। विशुद्ध रूप से सवाना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, भारत में कहाँ मिलेगा, बुंदेलखंड उत्तर जो उत्तर पश्चिमी जो दिल्ली यूपी है वहां पे मिलता है, ठीक है ना। और बाकी ऐसे हर जगह देशों में मिलेगा, जैसे कि मैक्सिको एक देश मिलेगा, ठीक है ना। अब मैक्सिको में जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो मानसूनी है, बीच वाला हिस्सा कैसा होगा, सवाना होगा, समझ आए। अगर आप हॉलीवुड देखो, हॉलीवुड एक शहर है कैलिफोर्निया का, सवाना है, ठीक है, उसके
इसकी इस वजह से और सब समाना ही मिलेगा। तो देशों के नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, लिख लोगे नॉर्थ अमेरिका में देखो, और नॉर्थ अमेरिका हमेशा साउथ अमेरिका के ऊपर आगे रहता है, तो नॉर्थ अमेरिका आगे मिलेगा। अरे हम आगे इधर से वो पीछा होगा, इसके लिए वो ये मेरा नाम। अब देखो ठीक है, बात समझ में आ रही थी, समझ में आ रही। इधर नहीं मिलेगा जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया नहीं, जहाँ कैलिफोर्निया जहाँ भी उंगली रखी तुम्हारी सबसे आगे बढ़ी है कैलिफोर्निया। अब इसी के आगे देखोगे, देखोगे इसके ईस्ट में देखोगे, इसके ईस्ट में देखोगे तो मिलेगा हॉलीवुड शहर है। ये देखो लिखा है कैलिफोर्निया और सैन जोस, तो इस सैन जोस जो है ना सैन जोस के अंदर आता है कैलिफोर्निया सिटी। वो सर बता दीजिए चलो हो गया ठीक है ना। ये सारे के सारे आपको समाने वाले हैं, तो लोकेशन आप अपना देख के रखिएगा ठीक है ना। अगर मैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात करूँ, सुन लीजिएगा, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो आपको स्टार्ट हो जाता है केन्या से, केन्या का नॉर्थ हिस्सा, इधर सोमालिया इथियोपिया का बेस हिस्सा, और इधर सूडान, और क्या कहते हैं, और मिस्र से इजिप्ट बोलते हैं मिस्र, ये वाला हिस्सा जो है आपका चार्ट मिलेगा, चार्ट एक देश का नाम चार्ट है, चार्ट बोलते हैं चार्ट नहीं। और ये लीबिया, लीबिया और ये वाला जो हिस्से है ये आपके मेडिटेरेनियन में तो आगे लिखा जाए थोड़ा बहुत लिखेगा समान रीजन लाइव बिटवीन टेन टू थर्टी नॉर्थ एंड साउथ। लाइन बिटवीन टेन टू थर्टी नॉर्थ एंड साउथ। The best suitable climate is found in a mid African continent. Suitable climate. Suitable samana climate is found in mid of African continent. African continent. Other places are अपने लिख लेना अपने घर। देखो मैंने बता दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैक्सिको का हिस्सा, जरा हिंदी में लिखा समाना क्षेत्र
तुम्हारा क्षेत्र सवाना क्षेत्र 10 से 30 उत्तरी एवं दक्षिण गुजरात में पाया जाता है। उत्तरी दक्षिण दोनों पाया जाएगा, ये हमने उत्तरी गुजरात का नाम बनाया, सेम है गुजरात में पाया जाता है। इसका आदर्श क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पाया जाता है। अफ्रीकन महाद्वीप के मध्य में पाया जाता है। मध्य में पाया जाता है। इसके अदर इसके दूसरे प्रमुख क्षेत्र हैं, बस अपने नाम लिखिएगा। ठीक है ना, सवाना क्षेत्र का कारण क्या है? वर्षा ना होना अलग बात है, वर्षा ना होने का मतलब है कि होती नहीं है, ड्रिजल्ट हो जाएगा। वर्षा बहुत न्यूनतम स्तर पर होती है, क्योंकि होती है बहुत थोड़ी बहुत होती है ना। मान लीजिएगा एक जगह गिरती है 1 मीटर जल, ठीक है ना, तो सवाना में कितने गिरेगी? सिर्फ 50 मिलीमीटर। डेजर्ट में कितनी गिरेगी? 25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि डेजर्ट में बारिश नहीं होती, कभी कभी बहुत थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, नामात्रिक हो जाएगी, सगुन कर देगा, सगुन वाली हो जाएगी। हाँ, अगर बूंदाबांदी कर चला गया ऐसे फर्क नहीं होता। तो कारण क्या है इसका? नहीं तो इसको ऐसे नहीं लिख पाएगा, लिखिएगा क्या? मानसूनी विंड्स नेवर इज परफेक्टली lack of water grasslands are found. अब वो अगर लिखना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्या लिखोगे? कि जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स दाईं ओर मुड़ जाती है जिसकी वजह से वर्षा नहीं होती, बस यही लिखना है अपने भी लैंग्वेज में लिखो। अब हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखे हैं सुबह का नहीं पहुंच पाती इसके कारण आंशिक रूप से बारिश होती है,
आंशिक रूप से बारिश होती है, और इसीलिए ग्रास या घास के मैदान, हाथी घास के मैदान कर, हाथी घास के मैदान कर सकते, यहाँ घासें बहुत ज्यादा होती, बड़ी बड़ी होती, हाथी घास का मैदान कर, सही बोल, हाथी घास का मैदान कर। ठीक है, हाथी घास का मैदान कर। आगे लिख, आगे करण ये लिखना है आपको कि व्यापारी पौने यहाँ पर नहीं पहुंच पाती, छह वर्ष का यहाँ पर व्यापारी पौने नहीं पहुंच पाती। नाखून इतने बड़े बड़े रखे हो, यहाँ व्यापारी पौने नहीं पहुंच पाती, चार वर्ष का न्यूनतम व्यापार नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से एक कारण है कि न्यून वर्षा हो, लोकेशन में लिखाई दी थी वनस्पति, आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति में लिखा है उसमें सब लिखा हुआ है कैसे कैसे वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना, कैसे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, अभ्यास को देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी हाल में क्या हुआ, हाल क्या हुआ, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ग्रो होता है, ऐसे साउथ अफ्रीका का भी ये सारा क्षेत्र है, यहाँ बड़ी गरीबी है, उदाहरण उदाहरण बड़ी न्यूनतम स्तर में आते हैं, और कहा जाता है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है साउथ अफ्रीका यहाँ पर जो भूखा न सोता हो, ऐसा कहा जाता है, तो यूएनओ सुनना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डेवलप की जा रही है, ऐसे सीड्स डेवलप किए जा रहे हैं जो न्यून वर्षा होती है उसी में डेवलप हो जाए, ताकि भुखमरी मिटाई जा सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा कि एक तो ऐसे सीड्स हो, दूसरा फर्टिलाइजर ऐसे दिए जाए, तीसरा इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। अब सिंचाई की व्यवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, ठीक है ना, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, तो एक नील नदी है, उसके बाद इस एरिया में ज्यादा नदियां नहीं है, तो उससे थोड़ी बहुत सिंचाई हो सकती है अगर सरकार क्या करे वहां पर नहरें बना ले, तो इस थोड़ी बहुत बचत हो सकती, जैसे कि बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में कृषि इसलिए अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि जल की समस्या नहीं है, ट्यूबवेल अच्छे खासे हैं, नहरें हैं, ठीक है ना, और जलाशय अलाशय भी है, और ऐसा नहीं है क्योंकि यमुना नदी जान है, बुंदेलखंड की अगर कोई जान है तो क्या है यमुना नदी, और इधर वेस्ट में है चंबल नदी, चंबल नदी सुना तो चंबल नदी भी यमुना नदी के साथ जुड़ती है, सहायक नदी है, तो इस तरह से केन बेतवा चंबल ये सारी नदियां क्या है इसकी सहायक नदियां है, और इस सहायक नदी क्योंकि वहां पर सिर्फ एक नील नदी है, हमारे यहाँ क्या है इस तरह से दो नदियां, ठीक है, अगर पूछा जाए मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कि सहारा की स्थिति में भारत का जो सहारा क्षेत्र है वो विकसित है तो उसके कारण ये सारी चीजें बताना है, एक तो यहाँ पे उन्नत बीज है सीड्स है, हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है, कृषि का प्रबंधन अच्छा खासा है, ठीक है ना, नहरों का जाल है हमारे पास, इस तरह की सारे के सारे सरकार जागरूक रहती है, पॉपुलेशन है यहाँ पर अच्छी खासी, इस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्था रहती है। याद रखिएगा अब यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे अच्छी तरह से जाएंगे, अब ये भी पूछा जाएगा सहारा क्या होता है, कितनी का काम होता है,